दोस्तों मेरा नाम सरोज कुमार, मेरा YouTube चैनल ऑनलाइन गोल्डन क्लास, Facebook आईडी एसके राज डी, आप इस पे जाके देख सकते हैं। अगर आप मैट्रिक का अच्छे से अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, मैट्रिक में अच्छे से अच्छे तैयारी करना चाहते हैं और आप मैट्रिक में प्रथम स्थान से पास करना चाहते हैं तो इस चैनल को ऑनलाइन गोल्डन क्लास को एक बार जरूर देखें और फेसबुक आईडी एसके राज डी पे जाए और बहुत सारा उस पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। मैं उस पर साइंस का भी वीडियो डालता हूँ, मैथ का भी वीडियो डालता हूँ, उसमें मैंने त्रिकोणमिति पढ़ाया है, बहुत एक बेहतरीन तरीके से त्रिकोणमिति पढ़ाया है, उसमें एक एक क्वेश्चन का सलूशन बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को उसमें सलूशन करके हल कर रहा हूँ। आप उस वीडियो को देख के अपना मैथ को बहुत अच्छा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों आज एक अच्छा अलग से टॉपिक लेके आया हूँ। एक टॉपिक का नाम क्या है कि 1947 से लेके 2023 तक यानी अभी तक कितने अपने प्रधानमंत्री बन चुके हैं भारत में, प्रधानमंत्री कितने अभी तक हो गए हैं, ये सारे प्रधानमंत्री का लिस्ट है। और ये सारे प्रधानमंत्री का लिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पे बहुतों लोगों ने पढ़ाया है, बहुतों लोगों ने अपना तरीका दिया है, लेकिन सबसे एक बेहतरीन तरीका हमने निकाला है कि अभी तक के 1947 से लेके 2023 तक का अभी तक का टोटल प्रधानमंत्री का लिस्ट इस प्रकार से हमने डिजाइन किया है कि आज के बाद आपको पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। 1947 से लेकर 2023 तक का पूरे प्रधानमंत्री का नाम आप एक लिस्ट में एक बार में याद करेंगे और कहीं जाने की कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप दोस्तों YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारों ने बहुत तरीका से ये लिस्ट को तैयार किया है, लेकिन मेरा एक लिस्ट एक अलग तरीका से बनाया गया है जो आपको कहीं ना भारी लगेगा और ना कभी याद करने की जरूरत पड़ेगा। 1947 से लेके अभी तक जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ये लिस्ट बना हुआ है, ये लिस्ट के हिसाब से देखा जाए, क्रम के हिसाब से देखा जाए तो अभी जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी, वो अभी तक हमारे 14वें प्रधानमंत्री है। लिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो, व्यक्तिगत के हिसाब से देखा जाए तो ये 14वें है। अगर इसमें देखा जाए क्रम के हिसाब से तो क्रम के हिसाब से इंदिरा गांधी दो बार बनी हुई है। इसमें नड्डा जी, गुलजारी लाल नड्डा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री दो बार बने हुए हैं, एक जब जवाहरलाल बन गए थे उस समय और एक जब लाल बहादुर शास्त्री मर गए थे उस समय। तो इस तरीके से देखिएगा तो और आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन उन्होंने कार्यवाही वाहक के लिए केवल 24 घंटा 48 घंटा के लिए बना हुआ है, इसलिए उनको इस लिस्ट में हमने नहीं रखा है। बाकी इसको याद कैसे करना है दोस्तों, एक बार देखिएगा कितना बेहतरीन तरीका से आप समझा है। और दूसरी बात दोस्तों, इस बात से, इस नाम से या इससे हमने मुखड़ी जो बनाया है, इससे किसी भी प्रधानमंत्री के या किसी भी व्यक्ति के प्रति हम कोई गलत संदेश नहीं देना चाह रहे हैं। ये मेरा याद कराने का, ये मेरा बढ़ाने का एक तरीका है जिसके माध्यम से आपको छोटा से छोटा करके इसको हम याद करा सकते हैं। बाकी ऐसे अगर हम नाम लिखे हैं तो इससे आप हाथ नहीं पहुंचना चाहिए दोस्तों आपको, हम तो ये तरीका बता रहे हैं याद करने का, ठीक है, कैसे हम याद कर सकते हैं, ये एक तरीका है। जैसे दोस्तों हमने तरीका क्या बताया, जवाहर ने लाल को कहा, जवाहर ने किसे कहा, लाल को कहा इंदिरा के लिए राजीव को, जवाहर ने लाल को कहा इंदिरा के लिए राजीव को कि राजी करो, जवाहर ने कहा लाल को इंदिरा के लिए राजी करो, लेकिन चौधरी चरण ने क्या कहा, इंदिरा को राजीव के लिए राजी किया। जवाहर ने लाल को इंदिरा के लिए राजी किया, लेकिन चौधरी ने इंदिरा को राजीव के लिए राजी किया। विश्वास नहीं तो चंद्रशेखर एवं नरसिंह राव से पूछो, वह देवी गोंडा एवं इंद्र अटल रहे बिहार में मन को मोहने के लिए, क्योंकि सरकार है मोदी का। कितना आसान है, जवाहर ने लाल को इंदिरा के लिए राजी किया, लेकिन चौधरी ने इंदिरा को राजीव के लिए राजी किया। विश्वास नहीं तो चंद्रशेखर एवं नरसिंह राव से पूछो, वहां देवी गौड़ा एवं इंद्र थे अटल रहे बिहार में मन को मोहने के लिए, क्योंकि सरकार है मोदी का। अब बात करते हैं जवाहर ने, यानी जवाहरलाल नेहरू कब बने थे, 1947 से 1964 तक। उसके बाद जवाहर ने लाल को, लाल मतलब लाल बहादुर शास्त्री, 1964 से 1966 तक। जवाहर ने लाल को इंदिरा के लिए, इंदिरा मतलब इंदिरा गांधी, 1966 से 1977 तक इंदिरा के लिए राजी किया, राजी मतलब मुरारजी, राजी मुरारजी, राजी मुरारजी, मुरारजी देसाई, 1977 से 1989 तक। आगे हम पढ़ते हैं, राजी किया, लेकिन चौधरी ने, चौधरी मतलब चौधरी चरण सिंह, इंदिरा को, फिर इंदिरा बनी इंदिरा गांधी,
राजीव के लिए, राजीव मतलब राजीव गांधी, विश्वास नहीं तो विश्वासनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर सिंह एवं नरसिम्ह राव यानी नरसिम्हन राव से पूछो, वहाँ देवी गौड़ा मतलब एच डी देवी गौड़ा एवं इंद्र, इंद्र मतलब इंद्र कुमार गुलजार अटल रहे बिहार में यानी अटल बिहारी वाजपेयी, मन को मोहने के लिए यानी मनमोहन सिंह, सरकार है किसका, मोदी का यानी नरेंद्र। इस तरीका से टोटल हम लिस्ट को याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। जवाहरलाल को इंदिरा के लिए राजी किया, लेकिन चौधरी ने इंदिरा को राजीव के लिए राजी किया। विश्वास नहीं तो चंद्रशेखर एवं नरसिंह राव से पूछो, वहां देवी गौड़ा एवं इंद्र अटल रहे बिहार में मन को मोहने के लिए, क्योंकि सरकार है मोदी का। तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मुरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर सिंह, नरसिम्ह राव, एच डी देवी गौड़ा, इंद्र कुमार गुलजार, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और अभी वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री अभी तक है। इनका समय काल भी दिया गया है कि 1947 से 1964, 1964 से 1966, 1966 से 1977, 1977 से 1989, 1989 से 1980, 1980 से 1984, सॉरी 79 है, सॉरी 79, 1984 से 1989, 1989 से 1990, 1990 से 1991, 1991 से 1996, 1996 से 1997, 1997 से 1998, आगे दोस्तों 1998 से 2004 और 2004 से 2014 और 14 से अभी तक बने हुए कौन, नरेंद्र मोदी। तो बहुत आसान है दोस्तों, एकदम बहुत आसान है। जवाहरलाल को इंदिरा के लिए राजी किया, लेकिन चौधरी ने इंदिरा को राजीव के लिए राजी किया। विश्वास नहीं है तो चंद्रशेखर एवं नरसिम्ह राव से पूछो, वहां पे देवी गौड़ा एवं इंद्र अटल रहे बिहार में मन को मोहने के लिए, क्योंकि सरकार है सरकार है किसका, मोदी का। इसलिए दोस्तों आप इसी तरीका से अभी तक के पूरे टोटल प्रधानमंत्री को आप याद कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। मेरा चैनल का नाम है ऑनलाइन गोल्डन क्लास और फेसबुक आईडी एसके राठी, उस पर आप जाके देख सकते हैं। और मैट्रिक का साइंस और मैथ उस पर बना बना क्वेश्चन डालता हूँ, आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमने बिना पेन पेपर का त्रिकोणमिति पढ़ाया हूँ, कहीं पेन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे चैनल को ऑनलाइन गोल्डन क्लास को एक बार देखें, उस पर आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सारा बनाने का बात मिलेगा, बहुत ऐसा बात मिलेगा जो आपको जीवन में पहली बार मिला होगा। दोस्तों इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करें और इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।